कि इस्लाम संकट में खतरे में, इसका क्या मतलब आप सोच रहे क्या, किस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच आप क्या करते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच मींस फ्रीडम नॉट टू इंसल्ट आल्सो, एंड अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन फ्रीडम टू इंसल्ट अदर्स, as insult your revered icons. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये है कि देखो मुस्लिम्स का रिएक्शन, बीहेडिंग को कभी भी हम लोग है ना सपोर्ट नहीं करते. बीहेडिंग इज रॉन्ग, इट इज अन इस्लामिक एंड इनह्यूमन. जिस तरीके से ये राइट विंग लीडर्स इस्लाम को ये एक्सक्यूज बना के अपने पॉलिटिकल दाल जो गला रहे हैं, ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है. हमारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को भी अंडरस्टैंड करके उनका रिस्पॉन्स भी वेरी कैलिब्रेटेड रहना. मार्टिन लूथर किंग जूनियर था जो रेशियल एक्टिविस्ट था, ब्लैक का ये था, जब उसे असैसिनेट किए तो पूरी अमेरिका में आग लग गई. ब्लैक्स रिएक्ट करें क्योंकि उन्हें उनका रिवियर्ड आइकॉन है. आप वहां छोड़िए, आप इंडिया में आइए, अंबेडकर को बोल के कुछ बच सकते हैं क्या? बाबा साहब अंबेडकर, जिसे हम लोग बहुत एहतराम करते हैं क्योंकि वो सोशल जस्टिस को लड़े वाले हैं, उनको आप डेसिक्रेट करके इंडिया में बच सकते हैं क्या? फरहान साहब, इज इट पॉसिबल? और बाल ठाकरे को कुछ बोल के बच सकते हैं क्या? आप पेरियार को बोल के तमिल में बच सकते हैं क्या? आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, हु इज नेक्स्ट ओनली टू गॉड फॉर अस. Jews were treated with utmost respect under the Umayyads and the Ottomans. हालांकि जब फ्रांस की क्वीन कैस्टिला एंड फर्डिनेंड ज्यूज को मार के भगा है और जबरदस्ती उनको क्रिश्चियनिटी बनाए, तो भाग के उनको सहारा मिला था ऑटोमन एम्पायर में. ये लोग जो इस्लाम को जो प्रोजेक्ट करते हैं लोग, इन लोगों को ना इस्लाम का इलम है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, उनके कैरेक्टर का, हिस्ट्री का उनको मालूम है. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को आप हाईलाइट नहीं करें. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कैरेक्टर था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद के सर के ऊपर जब एक जुबिश लड़की गार्बेज फेंकती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ़ कर दिए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कत्ल करने बैठे था तुमामा इब्न उताल, नबी सल्लल्लाहु उसको भन को रखे थे, वो नबी को मारना चाहते, उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेंजर उसको मार दिया था. फरमा स्मॉल ये मारने के बाद एक बार वो इनके हाथ में लग गया मुसलमान के, तो उसके मस्जिद के पिलर को भन को रखे थे, नबी आए तो उसे माफ़ कर दिए और उन्हें छोड़ दिए, उन्हें वापस आके फिर इस्लाम कबूल कर लिया. फिर सफ़वान बिन उमैया था, वैशी था जो हज़रत हमज़ा को मार दिया था, तो उसे माफ़ कर दिए. हिंद जो सलाह जो लायन ऑफ इस्लाम, उनके लीवर में छबा के उसको माफ़ कर दिए. अब्दुल्ला बिन मुनाफिक था, उसकी जनाजे की नमाज पढ़े. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में बोलते हैं मर्सी ऑन क्रिएशन. इंडिया फ्रेंच के रिलेशनशिप जो है आप जानते हैं, रैपिड डील्स हुए हैं. मोदी साहब का एनी राइट विंग लीडर को मोदी साहब से डायरेक्टली अट्रैक्शन होता है, उसके तरफ से है. वरना फ्रांस के इंडिया के रिलेशनशिप में कोई खास नहीं है. हमारे ट्रेडिशनल हमारे रूलर्स थे ब्रिटिशर्स, और उस जमाने में हम लोगों का ज़्यादा माइग्रेशन ब्रिटिश में ही हुआ, जैसे कि वेस्ट अफ्रीका के माइग्रेशन फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस उधर रूल करती थी. जहाँ तक फ्रांस की हिपोक्रेसी है, आप सेक्युलरिज्म है, 60-70% और मोर इज कैथोलिक्स. अब इंग्लैंड और फ्रांस में जो जंग हुई है, जो भी है, किस बेसिस पे हुई है? वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, वो कैथोलिक्स हैं. ये हिपोक्रेट्स वो क्यों कबूल नहीं करते? इनके एक प्रोटेस्टेंट इनका प्रेसिडेंट बन सकता क्या? क्या इंग्लैंड में एक कैथोलिक प्राइम मिनिस्टर बन सकता क्या? देखो वरन साहब, ये लोग दूसरों को सेक्युलरिज्म प्रीच करते हैं, ये खुद फॉलो नहीं करते. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें. मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया. अभी तक फ्रांस में जितना हंगामा हो रहा है, उसी के सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं शरियार खान. शरियार खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए. और आज बात हम जो करेंगे फ्रांस के ऊपर, तो एक पॉइंट पहला आपके सामने रखता हूँ कि देखिए मुसलमानों के लिए अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के बारे में बात है, तो मुसलमानों के लिए अगर अल्लाह के बाद किसी हस्ती को सबसे ज़्यादा माना जाता है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और इस मामले में कोई भी मुसलमान कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते. तो जब वहाँ का एक टीचर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्टून को बनाता है, उसका सपोर्ट वहाँ के प्रेसिडेंट मैक्रोन करते हैं, तो क्या रीज़न नज़र आता है? या पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, या दूसरा बात ये कहें आप कि फ्रांस के या दुनिया के दूसरे जगह के मुसलमानों को आप पिन मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? पुनन साहब, देखिए मैक्रोन इमैनुअल कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, बड़ा उलझा हुआ राइट विंग पॉलिटिशियन है. पॉलिटिकली उसका हम लोग ये डायमेंशन है कि क्योंकि आज के ज़माने में राइट विंग लीडर्स की बड़ी हवा चल रही है. यहाँ पे मोदी साहब है, डोनाल्ड ट्रंप है, बोल्सोनारो ब्राज़ील में है, साउथ अफ्रीका में भी राइट विंग की हवा चल रही है. ये एक रीज़न हो सकता है कि नो, और मेन पंचिंग बैग क्या है? इस्लाम है. ये एक रीज़न हो सकता है. दूसरा ये है कि फ्रांस का वेस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसे एक सहील रीजन कहते हैं, रीजन अफ्रीका को आप दो में डिवाइड किए तो नीचे जो हरिया अफ्रीका है दैट इज साउथ अफ्रीका,
जो ऊपर है उसे साहिल रीजन कहते हैं, चाड, अल्जीर्स, मोरक्को, ट्यूनिस, वहां क्या था, ये लोग रूल करते थे, कौन, फ्रांस, टिल रिसेंटली 60 साल पहले। उधर इन लोगों का बड़े अत्याचार किए हैं, बड़े मैसेकर्स करे हैं, फाइनली उनको इंडिपेंडेंस मिला। उधर मिलने के बाद वहाँ बोको हरम बोल के एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे अभी है, वहाँ पे तहस नहस करे, इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली 2015 में ISIS से मर्ज हुई है। आपको याद रहेगा 267 स्कूल गर्ल्स को ले जाके वो रेप करके जबरदस्ती शादी किए थे। कंप्लीट डिस्ट्रप्शन है। उधर क्या है, फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि पहले वहां की कॉलोनियल पावर थी, वो बोको हरम के खिलाफ वहां लड़ रहे हैं। ये हो सकता है क्योंकि ये जो लोग जो बिहेड करे हैं सैमुअल पैटी और उसको, एक देखिए एक ट्यूनिशियन है जो मैं, वही रीजन है वो, जो मैं साहिल रीजन कहता हूँ वो रीजन से है, दूसरा चेचन है। तो क्या हो रहा है वहां पे, इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से मे बी द 9% ऑफ द घेटो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस जो वहां पे है, वहां पे कौन है, तुर्की है, मैक्सिमम तुर्की के इमिग्रेंट्स हैं, ट्यूनिशिया के हैं, वो एक हो सकता है रिएक्शन कि आप वहां पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक बहाना भी हो सकता है चार्ल्स हिब्डो का, ये भी ये लोग ये इसके बारे में कौन भी एक्सप्लोर नहीं करे कि फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट जो इस्लामिक कंट्रीज अफ्रीका में है, जो वहां पे जाके ये बोको हरम के साथ करे, बोको हरम इज नथिंग बट ISI, वो हो सकता है। दूसरा ये है कि फ्रांस का जो सेक्युलरिज्म है उसे लाइसिज्म कहते हैं। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एंशियंट रेजिम था उनका 500 साल, उसके बाद उन्हें एक सेक्युलरिज्म लाया जो बिल्कुल इंडिया के सेक्युलरिज्म के ऑपोजिट है। उसमें क्या है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दो अलग चीज हम बोल के, ये क्यों करें, ये स्कूल्स में क्या होता था पहले, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी सिखाते थे, तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया, आई थिंक 1950 में डिसाइड करे कि वी विल कीप स्कूल्स अवे फ्रॉम रिलीजन, वहाँ से ब्यूरोक्रेसी को भी अलग करे, ये करे। इंडिया का तो अलग है, इंडिया में गांधीयन सेक्युलरिज्म है जो आप रिलीजन में अच्छे बन जाओ, साफ सुथरे बन जाओ, उसके बाद आप आपकी लाइफ भी अच्छी होती बोल के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये है कि वी डोंट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट हैव रिलीजन, इज अ डिफरेंट थिंग। ये जो फ्रेंच का सेक्युलरिज्म है, उन्होंने उसका हिला लेके ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम किसको भी कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए फ्रीडम ऑफ, फ्रांस के प्रेसिडेंट को इतनी अकल रहना कि वो लोग जो यूरोपियन यूनियन का जो कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करते हैं, फ्रांस का जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, इसके जो इम्पोर्टेंट सिग्नोटरी हैं, ये लोग क्या बोलते हैं फ्रांस के, हम लोग रिलीजियस हेटरेट को, एथनिक हेटरेट को, रेशियल हेटरेट को, नेशनल हेटरेट को, हम लोग, हमारी ड्यूटी है कि हम रोकेंगे, रोके नहीं है, इस्लाम के खिलाफ तो हेटरेट ही है ये। दूसरा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स जो है, वो भी उसकी भी जो फ्रांस सिग्नोटरी है, पूरा यूरोप सिग्नोटरी है, इंडिया भी है, इसमें क्या है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ पॉलिटिकल सिविल राइट्स के, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ यू नो आपका स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिटेल, ये सब भी है। उसमें पर्टिकुलरली एक क्लॉज है आर्टिकल 20, सीधे कहता है कि आप ऐसे कानून बनाइए जिसके वजह से दूसरे के रिलीजन, मजहब, रेस, इनको कभी भी तकलीफ, डिस्क्रिमिनेट नहीं होना बोल के। आप उसके सब सिग्नेटरी हैं। आप फिर बोलते हैं क्या, किस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप क्या करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच मींस फ्रीडम नॉट टू इंसल्ट आल्सो। तो अब यहाँ पे एक चीज देखने है कि ये जो सैमुअल पैटी जो था जिसने कार्टून बनाया, उसको हत्या कर दी गई, उसके बाद से यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो बोलते हैं कि ये इस्लामिक आतंकवादी जो है इसके तरफ से एक हमला है, और दूसरी बात ये कहते हैं कि मेन पॉइंट जो है कि इस्लाम संकट में, खतरे में, इसका क्या मतलब आप सोचते हैं? देखिए ये जो करते हैं ना ये लोग, इस्लामोफोबिया जो है, और जो जिस तरीके से ये राइट विंग लीडर्स इस्लाम को ये एक्सक्यूज बना के अपने पॉलिटिकल दाल जो गला रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को भी अंडरस्टैंड करके उनका रिस्पॉन्स भी वेरी कैलिब्रेटेड रहना। आप इंडिया की, आप फ्रांस से शुरू कीजिए। फ्रांस में जो जोन ऑफ आर्क थी, जो कैथोलिक प्रीस्ट थी, जो 100 ईयर्स वॉर में जो हिस्सा ली थी, उसको प्रोटेस्टेंट्स पकड़ के जला दिए थे। वो भी क्रिश्चियन थे लेकिन जला दिए थे। अगर फ्रांस में जोन ऑफ आर्क की सर को काट दिए, उसको ब्लास्फेम करे, तो क्या फ्रेंच की पॉपुलेशन, कैथोलिक पॉपुलेशन, फ्रांस इज फुल ऑफ कैथोलिक्स ओनली, चुप बैठेगी क्या? चुप बैठेगी क्या? किसी न किसी हेट स्पीच में अंदर डाल देगी आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच जब एक्सरसाइज नहीं करते, आप दूसरे कंट्री में लीजिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर था जो रेशियल एक्टिविस्ट था, ब्लैक का ये था, जब उसे असैसिनेट किए तो पूरी अमेरिका में आग लग गई, ब्लैक्स रिएक्ट करे क्योंकि उन्हें उनका रिवियर्ड आइकॉन है।
आप वहां छोड़िए, आप इंडिया में आइए, अंबेडकर को बोल के कुछ बच सकते हैं क्या? बाबा साहब अंबेडकर जिसे हम लोग बहुत एहतराम करते हैं क्योंकि वो सोशल जस्टिस को लड़े वाले हैं, उनको आप डेसिक्रेट करके इंडिया में बच सकते हैं क्या फरहान साहब? इज इट पॉसिबल? और बाल ठाकरे को कुछ बोल के बच सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे को कंगना रनौत बोल के उसको भगा दिया ना मुंबई से, आप पेरियार को बोल के तमिल में बच सकते हैं क्या? आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, हु इज नेक्स्ट ओनली टू गॉड फॉर अस, और ही नेवर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी यह है कि देखो मुस्लिम्स का रिएक्शन, बीहेडिंग को कभी भी हम लोग है ना सपोर्ट नहीं करते, बीहेडिंग इज रॉन्ग, इट इज अन इस्लामिक एंड इनह्यूमन, उसको सपोर्ट नहीं करो, लेकिन आप ये मोस्ट रिवियर्ड आफ्टर अल्लाह ताला आइकॉन को आप उनको उनके उनके पगड़ी के बॉम्ब के जैसा डिजाइन करके आप इतना बेहुदा कैरिकेचर बना के, इफ यू थिंक यू विल गेट अवे, ये आपका बेवकूफपन है। एक आप इंटरनेशनल लीडर हो के आप सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन एंड द मोस्ट रिवियर्ड फिगर इन 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 इस्लाम को आप इतना बेहुदा कैरिकेचर बना के, आप समझते हैं कि रिप्रिकॉशन नहीं आते तो फिर आप जोन ऑफ आर्क है जो आपका आपकी आइकॉन है उसको डेसिक्रेट करके आप चुप बैठे देखते हैं हम लोग। लेट्स सी whether we will react or not react। तो अब ये सारे चीज होने के बाद से कुछ इस्लामिक जो कंट्री है वहां से जो रिएक्शन आया, तो उसमें तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि फ्रांस के जो प्रोडक्ट है उसको हटा दो, आपको नहीं खरीदना चाहिए, उसकी इकोनॉमी को कम करना चाहते हैं बेसिकली। और फ्रांस के मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने कहना है कि फ्रांस के मुसलमानों के खिलाफ ऐसा ही अभियान चल रहा है जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यहूदियों के साथ हुआ था। इसका क्या मतलब है फ्रांस साहब? देखिए यहूदियों का ये प्रस्पेक्टिव है कि यहूदी सबसे खुश थे इस्लामिक खलीफात में। बार बार बोला हूँ, लिखा भी हूँ कि स्पेन में वो टाइम पर तो नेशन स्टेट्स नहीं थे, फ्रांस स्पेन इंग्लैंड सब एक ही रॉयल फैमिलीज रूल करते थे, ये एक उमर खलीफात था स्पेन में और ओटोमन एम्पायर था बाजू जो फ्रांस के लग के था। आप जाके किसी भी मैं आपके आईएमपी के चैनल में आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जाके आप गूगल में ही देख लीजिए, Jews were treated with utmost respect under the Umayyads and the Ottomans. हालांकि जब फ्रांस की क्वीन जो कैस्टिला एंड फर्डिनेंड ज्यूस को मार के भगा है और जबरदस्ती उनको क्रिश्चियनिटी बनाया, तो भाग के उनको सहारा मिला था ओटोमन एम्पायर में। ओटोमन एम्पायर में जो प्रिंटिंग प्रेस आया था थैंक्स टू द ज्यूस, शेपर्डिक ज्यूस कहते हैं इन लोगों को जो फ्रांस स्पेन से भाग के आके उनको पनाह मिली ओटोमन एम्पायर में। जहां तक उमैद खलीफात का था जो कोडोबो का था, उसमें एक इंस्टीट्यूशन था जैसे ला कन्वीनियंसिया कहते हैं, उसमें इट वाज अ प्लूरल सेक्युलर इंस्टीट्यूशन जहां पे क्रिश्चियंस मुस्लिम मिलके रहते थे। ये लोग जो इस्लाम को जो प्रोजेक्ट करते हैं लोग, इन लोगों को ना इस्लाम का इल्म है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, उनके करेक्टर का, हिस्ट्री का उनको मालूम है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरिस्पेक्ट ऑफ व्हाट पीपल से उनका। आप देखिए आप सल्लल्लाहु मुस्लिम्स को मैं बोल रहा हूँ, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी के लिए हम लोगों को किसी को बिहेड करने की जरूरत नहीं थी। हम लोगों को ये हमारा ये कैलिब्रेटेड ये होना था कि जो सऊदी अरब जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो हमारा ठेका लेके खड़े हैं, जो इनके यूरोपियन कंट्रीज से हाथ मिला के झूल रहे हैं, उनके बेसिस को अपने कंट्रीज में रखे हैं, और जो मुसलमान 50 साल काम करने के बाद भी आप सिटीजनशिप नहीं देते हैं, ये हिपोक्रेट्स आज उठ के बोलते हैं कि ब्लास्फेम कर दे, पहले से क्या सो रहे थे आप लोग? वर यू स्लीपिंग व्हेन हिबिडो हैपेंड? आपके इतना आपका मसल पावर है, अमेरिका के बेसिस आपके इसमें है, आप फ्रांस को के कितने बैंकिंग सिस्टम का पूरा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ है आप, तब आप कुछ लिवरेज नहीं करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को आप हाईलाइट नहीं करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कैरेक्टर था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के सर के ऊपर जब एक जुबिश लड़की गार्बेज फेंकती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ कर दिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कत्ल करने बैठे था तुमामा इब्न उताल, नबी सल्लल्लाहु उसको भन को रखे थे, वो नबी को मारना चाहते, उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेंजर उसको मार दिया था फरहान साहब, स्मॉल ये मारने के बाद एक बार वो इनके हाथ में लग गया मुसलमान के, तो उसके मस्जिद के पिलर को भन को रखे थे, नबी आए तो उसे माफ कर दिए और उन्हें छोड़ दिए, उन्हें वापस आके फिर इस्लाम कबूल कर लिया। बिन सफान बिन उमैया था, वैशी था जो हमजा हजरत हमजा को मार दिया था, तो उसको उसे माफ कर दे। हिंद जो सला जो लायन ऑफ इस्लाम उनके लिवर में चबा के गए उसको माफ कर दिए। अब्दुल्लाह बिन मुनाफिक था, उसकी जनाजे की नमाज पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में बोलते हैं इज मर्सी ऑन क्रिएशन। मुसलमानों को भी दे हैव टू शो रिस्ट्रेंट, अगर ये भी जो बिहेडिंग करते हैं तो इट विल शो इस्लाम इन पोर लाइट। इन लोगों को भी ना विदिन फ्रांस का क्या था, फ्रांस क्या बोली थी यूरोपीय जो अफ्रीकन इमिग्रेंट जो आए थे, फ्रांस का क्लियर था कि अगर आप इधर आ रहे हैं तो वेलकम, बट यू हैव टू फॉलो द फ्रांस कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें सेक्युलरिज्म भी है। मैं क्या कहता हूं इन लोगों को, आपको इतना देखिए रिएक्शन तो आना था,
जब आप स्वेयर करके फ्रांस की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करने के बाद दैट मीन्स यू हैव इवन एक्सेप्टेड द फ्रांस सिविल कोड ऑफ कंडक्ट करें, तो आप उनके सेक्युलरिज्म को आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप बिहेडिंग करते हैं. अरे उनके भी कानून है, कानून को खटखटाइए आप, बिहेडिंग करें तो आप क्या क्रेडिट लें आप इस्लाम को. आज पूरी दुनिया ये करिए कि आई मीन सी एवरीबडी कंडम्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को नहीं बनाना, इट इज समथिंग विच इज ए मॉर्टल सिन इन इस्लाम. बट आप बिहेड करके क्या सिग्नल भेजे आप? क्या इस्लाम आपको कहता है बिहेडिंग करने के लिए? रिद्दा अलग है, अपोस्टेसी के लिए अलग पनिशमेंट है, बस ब्लास्फेमी इज समथिंग दिस पीपल हैव गॉन टू द एक्सट्रीम. तो इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो ईरान की जो संसद से आवाज उठी कि ये जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इनकी एक कोशिश जो ये हुई है एक बड़ी योजना का साजिश है, ठीक है, एक बड़ा कोई प्लान है उसकी एक पहल है. और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो फ्रांस के लोग हैं वहाँ पे, जो फ्रांस के लोग हैं उनके अंदर जो इस्लाम के तरफ रुझाव आ रहा है और लोग इस्लाम को जानना चाहते हैं, तो उस बढ़ती हुई पब्लिसिटी को इस्लाम को ये रोकना चाहते हैं, इसलिए ऐसी हरकतों का समर्थन कर रहे हैं. देखिए पहली बात फरहान साहब, ये मैं इनका ये कर रहा हूँ, मैं क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में चल रहा है बोलते हैं इसके बारे में. तुर्की जो बॉयकॉट की बात करती है गुड्स की, मैं बोलता हूँ कि अरब कंट्रीज क्या कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो बॉयकॉट ना, कि भाई हमें भी आपके साथ हमारी कुछ ट्रैक्शन नहीं रहता बोल के. हमारा इस्लाम कंट्री का रिस्पॉन्स हमेशा सेलेक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी रहा है इस चीज़ों में. दिट हैज एम्बोल्डन पीपल टू रेडिकल इस्लाम एंड गेट अवे विथ इस्लाम, गेट अवे विथ यू नो ब्लास्फेमिंग द ग्रेट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिन, ये जो क्राइम कमिट किया है बिहेडिंग का, इसमें अल्लाह ताला, अल्लाह के कुरान का स्टैंड पॉइंट ये है कि मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि पीपल शुड नो व्हाट इट इज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या कि इट इज़ बेटर टू डील यू नो ईवल को एक अच्छे तरह से डील करना बड़ी अच्छी बात है, इट इज़ बेटर टू रिपल ईवल विद गुड बोल के कुरान बोलता है. ये सब देखिए मुस्लिम्स का भी ये रिस्ट्रेंट होना, हाँ ये आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, एक बिगर पॉलिटिकल गेम है जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के रिवियर्ड आइकॉन को ये लोग यूज करके आपके पॉलिटिकल कंसोलिडेशन कर, इंडिया में भी वही कर रहे हैं ना. लेकिन क्या है ये जितनी मुस्लिम कंट्री है क्या रियली इस्लाम को फॉलो करते हैं? नहीं करते. आप नहीं कर रहे नहीं करते. लेकिन आप ऐसे की चीजों में जहां के पॉलिटिकली कहीं ना कहीं आपको गेन है, तो एक चलो हम सामान को नहीं खरीदेंगे, इससे क्या मिलेगा? क्या आप जो ओरिजिनल इस्लाम है उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं करते ये लोग, नहीं करता. मैं तो अपने हमारे उलमाए करम को मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो ब्लास्फेमी का है इसके बारे में आके क्लियर करना. और उलमाए करम बोले तो सिर्फ हिंदुस्तान के उलमाए करम नहीं, सब इनके जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें बोलना कि अगर सल्लल्लाहु को जो ब्लास्फेम करते हैं तो हमारा कंसंट्रेटेड रिस्पॉन्स उसे क्या रहना, क्या हमें चुपके बैठना, कहीं एक उलमा कुछ बात कर रहे हैं, कहीं एक बुला कोई एक सरफरा लड़का जाके किसी को जान से मारता, मारने से क्या इस्लाम का अच्छा हुआ कि इस्लाम को बेनिफिट हुआ? उसके बाद आपको जानते हैं ना वो बिहेडिंग होने के बाद दो फ्रेंच के औरतें दो जो हिजाब पहन के थे औरतों को उनका मर्डर कर दिया अक्टूबर 22 को. अब जानते हैं इसके बारे में डिटेलिएट करें तो ये आई फॉर एन आई है तो पूरी दुनिया में किसी की आंखें नहीं रहते. तो मैं हमारे उलमा से भी ये करता हूँ कि इट्स हाई टाइम ये जो ब्लास्फेमी का इशू है, ये लोग साही इमाम बुखारी में तो डेथ है, स्पेशली डेथ वो इंसान मुस्लिम अगर ब्लास्फेम करा तो उसके लिए डेथ है, नॉट फॉर ए नॉन मुस्लिम, ही उसको कुछ लाइट पनिशमेंट करके छोड़ कुछ और है, उलमा कराम उसके बारे में सही बोल सकते हैं. बट इस्लाम में देर इज नो, कुरान में पर्सी नहीं है, बट ठीक है जूरिस्ट उनका क्या उनका डेथ सेंटेंस था ये था, इसके बारे में क्लैरिफाई करके मुस्लिम को एनलाइटन करना ताकि वो ये इस तरह के ड्रास्टिक बिहेडिंग किलिंग बॉम्बिंग रोकना चाहिए. तो अब ये देखेंगे इस मामले में अगर हम भारत का इंडिया का रुख देखते हैं तो इंडिया की दोस्ती फ्रांस के साथ काफ़ी गहरी है और इस मामले में इंडिया जो है इसमें समर्थन किया, सपोर्ट किया है, ठीक है. इसमें तो ये जो सपोर्ट है इससे क्या मैक्रोन को वहाँ के जो लोग हैं उसमें प्लस पॉइंट मिलेगा तो प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा, इसका एक रीज़न है क्यों नहीं मिलेगा, वहाँ के लोग इससे हिंदुस्तान के समर्थन से खुश क्यों नहीं होंगे, उसका रीज़न ये है. देखिए वहाँ का जो सेकुलरिज्म है वो अलग किस्म का है. उसमें क्या है कि कोई भी मजहब का जो अपना सिंबल है, या बोले कि मुसलमान का है लेडीज़ के लिए हिजाब है या फिर क्रिश्चियन के लिए क्रॉस है, उसको लेके पब्लिक ओपनली डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और जहाँ तक कि 80% जो लोग हैं वहाँ पे वो क्रिश्चियन,
ठीक है, तो इसी तरह जब आप ओपनली नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप बोलते हैं वहाँ का सेकुलरिज्म वर्सेस इंडिया का सेकुलरिज्म, दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। तो इसलिए वहाँ के जो पब्लिक है इस बात से खुश नहीं होंगे, और कोई प्लस पॉइंट वहाँ मैक्रोन का नहीं मिलने वाला है कि भारतवर्ष उनको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया फ्रेंच के रिलेशनशिप्स जो हैं आप जानते हैं, रैफेल डील्स हुए हैं, मोदी साहब का एनी राइट विंग लीडर को मोदी साहब का इमीडिएटली अट्रैक्शन होता है उसके तरफ से है, वरना फ्रांस के इंडिया के रिलेशन इतने कोई खास नहीं है। हमारे ट्रेडिशनल हमारे रूलर्स थे ब्रिटिशर्स, और उस जमाने में हम लोग अभी हम लोगों का ज्यादा माइग्रेशन ब्रिटिश में ही हुआ, जैसे कि वेस्ट अफ्रीका के माइग्रेशन फ्रांस में है क्योंकि फ्रांस उधर रूल करती थी। जहाँ तक फ्रांस की हिपोक्रेसी है, आप सेक्युलरिज्म है, 60-70% और मोर इज कैथोलिक्स। अब इंग्लैंड और फ्रांस में जो जंग हुई है, जो भी है, किस बेसिस पे हुई है, वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, वो कैथोलिक्स हैं, ये हिपोक्रेट्स वो क्यों कबूल नहीं करते? इनके से प्रोटेस्टेंट, एक प्रोटेस्टेंट इनका प्रेसिडेंट बन सकता क्या? क्या इंग्लैंड में एक कैथोलिक प्राइम मिनिस्टर बन सकता क्या? देखो वरन साहब, ये लोग दूसरों को सेक्युलरिज्म प्रीच करते हैं, ये खुद फॉलो नहीं करते। फ्रेंच इज ए प्रिडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री, इंग्लैंड इज प्रिडोमिनेंटली क्या प्रोटेस्टेंट कंट्री, रशिया इज ऑर्थोडॉक्स है। ये लोग मिलकर नहीं रहते, ये लोग दूसरों को सेक्युलरिज्म सिखाने चले हैं। सेक्युलरिज्म जैसे इंडिया में कन्वीनियंट टूल बन गया है, उनका भी है, वो लोग दिखाते नहीं, समझे ना, वो दिखाते नहीं, उनको सेटल वे में खेलने का आता है। अब ये जो इस्लाम को, जो इस्लामोफोबिया जो स्प्रेड कर रहे हैं इमैनुएल मैक्रॉन, किस लिए कर रहा है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कंसोलिडेट, वो हेट्रेड क्रिएट करके कैथोलिक से, इस्लाम हैज कम, इट इज गोइंग टू kill you, jihadis will invade our country, you vote for me. This is what I'm going to do, my freedom of speech, my kisi halat mein bhi main isko jari karunga bolke. Dekhiye, freedom of speech is not freedom to insult, malign and ridicule religion. To ye basically jo Faran ka incident bhi hai, more or less dekhenge to political game hai. Uske alawa internationally political game aap bol sakte hai. Jisme har log apna apna haath dho rahe. Absolutely. देखिए फरहान साहब, ये चार्ल्स हिमिडो की बात कर रहे हैं ना, बीच में नाइस में एक जिहाद या जो इस्लामिक टेररिस्ट जो भी है, वो इस्लामिक टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, ओके, दे आर फाउंड एवरीवेयर। बुद्धिस्ट भी टेरर करते हैं ना, नॉन वायलेंस का रिलीजन है। जब इनकेस में फ्लो करके गया था, क्यों गया था, मार कितने के लोग मर गए थे, ट्रक क्यों गया था, हो बोलते हैं चार्ल्स हिमिडो, लेकिन इनका जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स करके दूसरे कंट्रीज में जो ये फिंगर कर रहे हैं ना, जैसे अमेरिका फिंगर करके अफगानिस्तान में वो पेंटागन पे बॉम्ब डाल दिए, वो छुपा रहे हैं लोग। लेट देम कम आउट क्लीन ऑन यू नो व्हाट दे आर डूइंग इन वेस्ट अफ्रीका एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसे साहिल रीजन बोलते हैं, जो इनका इनकी लड़ी बोको हैरम से चल रही है, जो ISIS, उसके भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो इमिग्रेंट्स यू नो प्रवोक होकर इन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ और कर रहे हैं। So I think that is also one of the reasons. ये unidimensional ही है, ये multidimensional issue है ये. And again, freedom of speech does not mean freedom to insult others. Yeah. As insult your revered icons. के देखिए, हर रिलीजन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या बोलती है, essential practices होते हैं, हर रिलीजन में होते हैं, हमारे इसमें शहादा है, हज है, ये है, उसको आप इंसल्ट नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, अल्लाह और हमारे बीच में लिंक ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरान ही उनके थ्रू आई। अब हम उनको डेसिक्रेट कर रहे हैं, उनको ब्लास्फेम कर रहे हैं, हम देख लेके बैठते हैं, तो क्या फायदा? द रिस्पॉन्स शुड नॉट बी वायलेंट, इट शुड नॉट बी। तो एक इस्लाम का ऐसा इन लोगों को हथियार यूज करते हैं कि हर काम के लिए, जब सभी लोग कर रहे हैं, जब देखते हैं अपना डाउनफॉल हो रहा है तो इस्लाम की चीज को यूज करके। आप कल की बात देखिए, कोर्ट में आएंगे, लव जिहाद के खिलाफ हम लोग कानून बनाते हैं। आपको मैं स्लाइटली डाइग्रेस करके बोलो, कल परसों इलाहाबाद कोर्ट क्या हुआ, एक मुस्लिम लड़की हिंदू बनके, नाम क्या अंजलि मिश्रा बनके कोर्ट को गई है, तो कोर्ट बोलेगी तेरा हम तेरा कन्वर्शन एक्सेप्ट नहीं करते, ये कन्वर्शन नहीं है, तू ईमान ले नहीं, शादी करने के लिए कन्वर्टेबल के, मुस्लिम गर्ल बिकमिंग ए हिंदू सेकंड टाइम, क्या वो सैफरन जिहाद नहीं है, वो सैफरन क्या कहते हैं उसको, ये नहीं है? व्हाई डोंट यू ब्रिंग ए लॉ, लॉ तो न्यूट्रल लॉ है ना, प्रोटेस्टेंट्स ये वो लोग बोलते हैं कि सेक्युलर है, हाउ आर दे सेक्युलर? अब जोना फार्क जो 1430 में कुछ जंग लड़ी थी, उसको उसको डेसिक्रेट करके देखेंगे, लेट्स सी विद दिस कैथोलिक्स विल कीप कट, उनके इसमें सेंट है, उन्हें शी इज अ सेंट। सो हर रिलीजन को, दूसरे रिलीजन के आइकॉन्स को, उनके रिचुअल्स को, उनके प्रैक्टिसेस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो किसी भी कुछ बोल दो, इट इज रेडिकल्स।
इट इज अब्सर्ड. बहुत बहुत शुक्रिया इस पर रोशनी डालने के लिए. थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुल.